सोलन में जगदम्बा रामलीला मंडल द्वारा 27वीं रामलीला का आयोजन गंज बाजार में किया जा रहा है। रामलीला की दूसरे दिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर रामलीला का शुभारंभ किया। उन्हें रामलीला मंडल के सदस्यों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा जगदम्बा रामलीला मंडली को अपनी ऐच्छिक निधि से 11,000 रूपए दिए। सोलन के गंज बाजार में 9 दिनों तक चलने वाली रामलीला के दूसरे दिन अयोध्या के राजा दशरथ द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ और लंका पति रावण द्वारा इच्छा मृत्यु प्राप्ति के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने का नाटकीय मंचन किया गया, जिसे उपस्थित श्रोताओं ने तालियों से सराहा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने रामलीला के आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चे अपना धर्म भूलते जा रहे हैं, ऐसे में रामलीला का मंचन करना एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसमें युवा सहित बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानने की शिक्षा मिल सकेगी। हमारी जो रामलीला मंडली है, उन्होंने रामलीला का मंचन किया है। समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी परंपरा है, जिसमें हम अपनी देश की संस्कृति को उभार कर लोगों के सामने लाते हैं, उजागर करते हैं कि राम भगवान किस प्रकार से एक बहुत प्रतापी तो रहे ही भगवान के रूप में आए और इसके बाद मर्यादा दिखाई दुनिया को, और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। मेरा मानना है कि बच्चों के बीच में ये उत्साह आज भी बना हुआ रहता है कि भगवान राम किस प्रकार से एक आदेश मानकर, जहां तो एक राजा के रूप में बैठने थे सिंहासन पर और कहां 14 साल के वनवास हो गया। ये सब चीजें बच्चों के समझ में आती हैं। इन लोगों के उत्साह के लिए और इनको आगे इनका काम अच्छा हो, अच्छी प्रकार के अपने इंस्ट्रूमेंट ले सके, मैंने अपनी अच्छी निधि ने 11,000 रूपए दिए हैं।